नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ आपके लिए रामानुजन पैराडॉक्स। दो टर्म है यहाँ पर, एक है रामानुजन और एक है अपनी पैराडॉक्स। अच्छा, रामानुजन को अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो रामानुजन को सब जानते होंगे। ही इज़ ग्रेट मैथमेटिशियन, इतना ही कहूँगा। इसी में सब कुछ इनके बारे में है। पैराडॉक्स, देखो पैराडॉक्स ना वो स्टेटमेंट होती हैं जिन पे पहली बार पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हम सोचेंगे ये स्टेटमेंट गलत हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट होंगी करेक्ट। फॉर एग्जांपल के लिए ये वाली स्टेटमेंट है, दिस इज़ अ सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिटी। सम ऑफ नेचुरल नंबर है इन्फाइनिट तक, और सम क्या आ रहा है? माइनस वन अपॉइंट ट्वेल्व। अब ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, और ये कौन सा पैराडॉक्स? ये पैराडॉक्स किसने दिया है? रामानुजन ने। इसीलिए इस पैराडॉक्स को बोलते हैं रामानुजन पैराडॉक्स। अच्छा, इसमें पैराडॉक्स क्या है? एक तो ये सारे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ना 3/2, 4/5 इस फॉर्म में नहीं होगा। ऊपर से ये सारे पॉजिटिव, ना ये फ्रैक्शन में ना ही इनमें से कोई भी एक नेगेटिव, और फिर भी आंसर आ रहा है फ्रैक्शन में और नेगेटिव। तो पहली बार इसको देख के लगता है कि ये तो आंसर क्या है, बिल्कुल गलत है, जबकि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे इसको प्रूव करना। तो आज की क्लास में हमने सीखना है सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिटी, 1+2+3+4 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू -1/12। इसको समझने के लिए आपको पहले दो सीरीज को समझना पड़ेगा। एक लिख रहा हूँ मैं सीरीज ए, वो है हमारी 1-1+1-1+1-1 अप टू इन्फिनिटी, और एक है बी सीरीज जो है 1-2+3-4+5-6 up to -∞। ये दो सीरीज है। और अब शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट सीरीज से। इस सीरीज को मैं उठा रहा हूँ, मैंने इसको लिखा a इक्वल टू 1-1+1-1+1-1 up to infinity। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ? अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और इसी तरह से चलते चलते कितना तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक। क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने इस पूरे बोर्ड में, जो मैंने बोर्ड में जितना भी लिखा हुआ है, ये सीरीज कहीं देख पा रहे हो आप? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर देख पा रहे हैं, ये देखो ये री ए लिखी हुई है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इक्वल टू 1-a? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, ये और ये सेम ही तो बात है ना। ये माइनस का a था, इधर लेके आया a प्लस a इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/2। तो वेरी फर्स्ट रिजल्ट जो है वो मुझे मिल गया है कि जो a है वो किसके इक्वल है? हमारी 1/2 के इक्वल है। तो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 पे। ये हमारा था स्टेप नंबर 1, ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप फर्स्ट में क्या किया हमने, a सीरीज को लिया, उसको थोड़ा सॉल्व किया और वहाँ से उस सीरीज की वैल्यू निकाली, जो कि क्या आ गई हमारे पास 1/2। अब चल रहे हैं हम इसके स्टेप नंबर 2 पे। देखो स्टेप नंबर 2 में क्या है, आपके पास एक a सीरीज थी, उसमें क्या था 1-1+1-1+1-1 up to -∞। एक सीरीज थी आपके पास b में, ऊपर लिख देता हूँ, एक थी b में क्या था 1-2+1+3-4+5-6 up to -∞। ठीक है, ये b है, ये अपनी a है। क्लियर है? अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं b में से a को माइनस। अब b में से a को माइनस कर रहा हूँ मैं, तो 1-1, 1-1। ठीक है, इसी तरह से इसमें से मैंने ये क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एक काम करो, a में से b माइनस कर दो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, थोड़ा समझना आसान रहेगा। a माइनस b कर दो 1-1, ठीक है, प्लस -1, माइनस किया माइनस का 2 तो हो गया प्लस का 2, इसी तरह से फिर किया
वन माइनस थ्री, अगला किया माइनस वन प्लस फोर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ओके क्लियर है। अब एक बात बताओ, a माइनस बी इक्वल टू वन माइनस वन जीरो हो गया, ये कितना हो गया अपना वन, ये कितना हो गया अपना माइनस का टू, ये कितना हो गया अपना थ्री, और इसी तरह से चलेगा माइनस का फोर और अप टू इन्फिनिटी। ये सुनो तो क्या सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, a में से b को क्या किया, माइनस किया है। a में से जब मैं b को माइनस कर रहा हूँ तो मैंने देखा इसमें से ये वाला माइनस करना है तो 1 माइनस वन हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करूँगा माइनस वन में से माइनस करूँगा माइनस का 2 तो माइनस वन प्लस 2 हो जाएगा जो कि आ जाएगा अपना 1। इसी तरह से ये वाला भी 1 में से 3 माइनस करूँगा तो आ जाएगा अपना माइनस 2, और इसी तरह से माइनस वन में से माइनस किया माइनस का 4 माइनस वन प्लस 4 जो कि आ गया 3 के इक्वल, और इसी तरह से सीरीज आपकी बनती गई। अब मेरे को एक बात बताओ, देखिए क्या ये वाली सीरीज अभी कहीं दिख रही है क्या, इस बोर्ड में, पूरे बोर्ड में कहीं पर आपको दिख रही है क्या ये वाली सीरीज? तो आपने कहा बिल्कुल दिख रही है सर, क्यों नहीं दिख रही, ये रही, ये बी तो है, ठीक है फिर ए माइनस बी इक्वल टू बी, तो उधर ले गए ए इक्वल टू बी प्लस बी, ठीक है तो टू बी इक्वल टू ए, और अभी अभी हमने ए की वैल्यू निकाली है जो कि 1/2 है, तो यहाँ पर हमने रख दी ए की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से b की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1/4। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात भी आपको समझ आ गई कि b की वैल्यू कैसे आ गई 1/4। क्लियर है। सबसे पहले हमने a की वैल्यू निकाली, फिर हमने b की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू हमने किस तरह से निकाली, इस पूरी सीरीज में से हमने माइनस कॉमन ले लिया और इस तरह इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल दी। b की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, ए में से क्या कर दिया, बी माइनस कर दिया और हमने यहां से बी की वैल्यू निकाल दी। अब आता है थर्ड स्टेप, एक सीरीज और उठाएंगे उसको बोलेंगे हम एस, और एस क्या है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 up to infinity। अगर आप देख रहे हो तो ये नेचुरल नंबर का सम है अप टू इनफाइनाइट टाइम का, है ना। अच्छा बी सीरीज क्या थी हमारी, तो आपने कहा सर बी थी हमारी 1 - 2 + 3 - 4 + 5 up to infinity, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप में एस में से बी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एस में से बी 1 - 1 2 में से माइनस किया माइनस का 2 तो प्लस का 2 प्लस 3 में से 3 माइनस किया नेक्स्ट 4 में से माइनस किया माइनस का 4 4 में से माइनस किया माइनस का 4 तो 4 प्लस 4 कितना आ गया अपना 4 + 4, और इसी तरह से डैश इनफाइनाइट। ओके है, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा, है ना। अब आगे एक बार बताओ, 1 - 1 तो 0 हो गया, 2 + 2 कितना हो गया 4, 3 - 3 0 हो गया, 4 + 4 क्या हो गया 8, इसी तरह से 5 वाला कैंसिल हो जाएगा, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 और डैश इनफाइनाइट। एस माइनस बी एक बार बताओ 4 कॉमन ले लें क्या, आपने कहा बिल्कुल ले लो, 1, 2, 3 अप टू डैश क्या बनी इनफाइनाइट, 4 कॉमन लेना ना, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12। यस और नो, एक बार बताओ इस पूरे बोर्ड में आपको दिख रहा है क्या कि मैंने ये वाली सीरीज कहाँ है, ये वाली सीरीज कहाँ है? आपने कहा सर ये ऐसी तो है, हाँ ऐसे रख दो फिर, एस माइनस बी इक्वल टू 4s, एस माइनस 4s इक्वल टू बी, ऐसा इसको इधर ले आए, इस b को उधर ले गए तो ये कितना हो गया माइनस का 3s इक्वल टू बी। अब मेरे को एक बात बताओ, पिछली बारी में b की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4, रख देंगे 1/4, b की वैल्यू 1/4, माइनस 3s इक्वल टू 1/4, s इक्वल टू 1/4 इंटू माइनस 3 तो जो कि आ गया -1/12, और जो s है, s क्या है हमारा नेचुरल नंबर का सम, और s की वैल्यू क्या आई है -1/12, तो अभी अभी हमने प्रूव कर दिया कि नेचुरल नंबर का जो सम है 1 + 2 + 3 + up to infinity किसके इक्वल होता है -1/12 के। ये प्रूव किया ना, ये s की वैल्यू आई ना, s क्या था नेचुरल नंबर का सम अप टू इनफाइनाइट टाइम, तो किसके इक्वल आए -1/12। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है, दोबारा से एक बार जल्दी से देख लो फास्ट ट्रैक पे।
सबसे पहले हमने कहा हमने तीन सीरीज ली हैं, एक ए एक बी। ए वाली है 1-1, एक है बी है हमारी 1-2+3। सबसे पहले ए निकालने के लिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दी। बी निकालने के लिए हमने बी को ए में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ए में से बी माइनस कर दिया। ये यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, बी की। और एस की वैल्यू निकालने के लिए हमने एस में से बी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब माइनस कर दिया यहाँ से एक्स एस की वैल्यू आ गई 1/12। तो ये था मैथमेटिकल पैराडॉक्स, रामानुजन पैराडॉक्स। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि नेचुरल नंबर का जो सम है वो किसके इक्वल है, 1/12। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गया है। नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से स्लो मोशन में चला के पीछे से एक बार दोबारा से देख लें, ठीक है। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।